हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि अज्ञेय जी की, यानी कि उनका पूरा नाम जो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय था, और उनकी एक कविता थी, छोटी सी कविता जिसे जिसका शीर्षक है सांप। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर डसना कहां से सीखा। बस कविता खत्म, छोटी सी कविता किंतु बहुत बड़ा गहरा व्यंग, बहुत गहरी बात वो कह गए। सांप को प्रतीक मानकर प्रयोगवादी कवि यज्ञ जी ने ये सांप को प्रतीक माना। वो सांप को किसका प्रतीक माना, वो कहते कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सभ्य समाज पर करारा व्यंग है, शहरी संस्कृति पर करारा व्यंग है। साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, डसना कहां से सीखा। अरे सांप तुम तो सभ्य नहीं हुए, डसने का काम किसका है, सभ्य समाज का है, ऐसे सूट बूट पहनने वालों का है, जो नगर में बसते हैं उनका है। नगर में बसते हैं, नगरीय संस्कृति हमें पता है, फ्लैट की संस्कृति हमें पता है। गांव में अगर किसी के दूसरे के घर कुछ होता है तो हम तुरंत चले जाते हैं। शहर में अगर पास के घर में, पास के फ्लैट में अगर कुछ हो रहा है तो पास वालों को पता होने के बावजूद भी पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नगरीय संस्कृति है, इसलिए मारकाट की संस्कृति, मारकाट करते हैं छोटी छोटी बातों में। हम देख सकते हैं किस प्रकार की संस्कृति जो है वो आगे आगे बन रही है। टेक्नोलॉजी का विकास जिस प्रकार से हो रहा है, उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है। टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन हम यूज करते हैं तो कहते हैं सभ्य है, सभ्य तो हुए नहीं, अरे नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। अगर नगर में तुम बसते तो समझते कि तुम डस सकते हो, किंतु ये डसने का काम तो उन लोगों का है, तो तुमने कहां से डसना सीखा, तुम तो जंगल में रहते हो, प्रकृति के सानिध्य में रहते हो, तो ये डसना कहां से सीखा। उत्तर दोगे, बहुत बड़े व्यंग है, छोटी सी कविता के माध्यम से भारतीय नगरीय संस्कृति पर एक करा व्यंग जो है अज्ञेय जी ने किया है। गांव और शहर, गाँव में भी आजकल जो जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और टेक्नोलॉजी के कारण गाँव में भी टेक्नोलॉजी इस प्रकार से पहुंच रही है और गाँव के लोग अब शहरों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे में ये कविता जो है बहुत बड़ी सूचक है, जो सांप के माध्यम से हमें अज्ञेय जी सभ्य समाज की संस्कृति पर एक करारा व्यंग करके बताते हैं।